आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1700 प्योर देसी के मुर्गी के फार्म का मैनेजमेंट, और जहां पर 1700 प्योर देसी की मुर्गियां होंगी तो वहां पर कितनी मात्रा में प्योर देसी के अंडे इन्हें मिल रहे होंगे, उन अंडों को क्या करते हैं, सारा मैनेजमेंट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। इस फार्म की चौड़ाई 20 फीट है, लंबाई 200 फीट है और 1700 मुर्गियां जहां रहती हैं तो वहां काम वाली भी हैं। और बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ती है तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, ये बहुत सारे फॉगर लगे हुए हैं, जो फॉग जैसे भाप होती है ना, ऐसी बारीक बारीक बूंदें यहां पर फार्म के अंदर गिरती हैं, जिससे फार्म का टेम्परेचर ठंडा रहता है, कम हुआ करता है। और आपकी स्क्रीन के सामने मचान पर प्योर देसी की मुर्गियां बैठी हुई आप देख सकते हैं। जब बहुत तेज धूप हुआ करती है तो जिन मुर्गियों को अंदर रहना है फॉगर में ठंडे स्थान पर, वो ठंडे स्थान में रहती हैं। और जिन मुर्गियों को आदत है खुले में फ्री रेंज में घूमने की, तो वहाँ पर घास के छोटे छोटे पंडाल मंडे जैसे बना दिए गए हैं, उनके नीचे सारी मुर्गियां वहां खेलते रहती हैं, कभी ऊपर चढ़ती हैं, कभी नीचे खेलती हैं और वहां पर एंजॉय करती हैं। तो इतनी सारी मात्रा में जब मुर्गियां अंडे देती हैं तो इनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती हैं। आप स्क्रीन के सामने देखिएगा, एक मशीन आपकी स्क्रीन के सामने 1200 अंडे की है, एक 5000 अंडे की है और एक बड़ा हैचर है, यानी दो बड़े बड़े इंक्यूबेटर हैं और एक हैचर है। इन पर अंडे रखकर प्योर देसी का चिक्स चूज़ा निकाला जाता है और पूरे हिंदुस्तान में भेजा जाता है। बहुत सारे किसान प्योर देसी की फार्मिंग के तरफ आ रहे हैं। प्योर देसी वही प्योर देसी मुर्गी है जो अंडे देकर, अंडे को सेक कर, अंडों पर बैठकर खुद चूज़ा निकाल कर ब्रूडिंग करके बच्चों को बड़ा करती है, उसको प्योर देसी कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने तीनों मशीन आपने देख चुका। अब इन मशीनों पर बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं, वह भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखिएगा, जब अंडे बहुत सारी मुर्गियों से मिलते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है, जहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि अंडों को जो टेम्परेचर हमें देना है, 7 दिन के अंडे स्टॉक करना है, तो 7 दिन के अंडे स्टॉक करते हैं, स्टोर जहां पर करते हैं वहां का टेम्परेचर 22 डिग्री से ऊपर ना जाए, या जहां अंडे रखते हैं वहां पर एक छोटा कूलर लगा देते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनों में बहुत सारे अंडे आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, यह साफ होकर लग गए हैं, इनसे चूज़ा मशीन से निकलने वाला है। तो बहुत सारे सवाल किसानों के मन में होते हैं कि प्योर देसी के अंडों से अगर मशीन से चूज़ा निकालते हैं तो सर इनके जो बड़ी मुर्गी होंगी वो अंडे पे बैठ के बच्चा निकालेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल 100% निकालेंगी मेरे भाई। तो आप स्क्रीन के सामने देखिएगा, जब इन अंडों को रखे हुए 18 दिन हो जाते हैं, मशीन के अंदर 18 दिन हो गए, अब किस अंडे के अंदर चूज़ा बना, किस अंडे के अंदर चूज़ा नहीं बना, यह चेक करने की प्रक्रिया को कैंडलिंग कहते हैं। तो अंडे के ट्रे बाहर निकाल के नीचे से टॉर्च लगाते हैं तो जिस अंडे से रोशनी आर पार जा रही है वह अंडा अनफर्टाइल है, उस पर बच्चा नहीं बना, और जिस अंडे की टॉर्च से रोशनी बाहर नहीं आ रही है उस पर बच्चा बन के तैयार है। 18 दिन इंक्यूबेटर में रखे कैंडलिंग की, फिर सारे अंडे शिफ्ट कर देते हैं हैचर में। हैचर में 3 दिन और अंडे रहेंगे। अब हो गए अंडों की उम्र मशीन में रखे हुए 21 दिन। 21 दिन के बाद अंडे के अंदर से जो चूज़ा तैयार हुआ है वह चोंच मार के छिलका तोड़ के बाहर आ जाएगा और उसको जब आप खरीदेंगे और जब वह बड़ा होगा तो आपकी स्क्रीन के सामने जो प्योर देसी की मुर्गियां और मुर्गे आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से वह पेरेंट भी तैयार होगा। देसी मुर्गी पालन और बीमारियों के इलाज के वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। अगली मुलाकात किसी और नए टॉपिक को लेकर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।